बॉलीवुड में एक बार फिर बजने जा रही हैं शादी की शहनाइयां। शाहरुख खान की फिल्म की हीरोइन बनने वाली है दुल्हनिया। 11 साल तक डेटिंग करने के बाद बॉयफ्रेंड संग सात फेरे लेने जा रही है चक दे इंडिया की कोमल चौटाला। जी हाँ, शादी का सीजन लौट आया है तो बॉलीवुड के लव बर्ड्स भी एक के बाद एक अपने प्यार के रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचाने में जुट गए हैं। अभी बीते दिनों ही अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने खंडाला में वेडिंग की है, तो वहीं शेरशाह कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी अपनी वेडिंग की खबरों की वजह से सुर्खियों में छाए हैं। और अब इसी बीच बॉलीवुड की एक और खूबसूरत हसीना ने अपने बैंड बाजा बारात का ऐलान कर दिया है। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से टिकट विंडो पर हिट का गोल दागने वाली कोमल चौटाला यानी की एक्ट्रेस चित्राशी रावत शादी के बंधन में बंधने जा रही है। 4 फरवरी यही वो दिन है जब सात फेरों के बंधन में बंध जाएंगी चित्राशी। जी हाँ, 33 साल की उम्र में चित्राशी शादी करने जा रही हैं। अब आप सब भी यही जानने के लिए बेकरार होंगे कि कौन है वो लकी मैन जिसे चित्राशी ने अपने जीवन साथी के तौर पर चुना है। तो देख लीजिए, यही है वो हैंडसम मैन जिनके साथ चित्राशी फेरे लेने जा रही है। नाम है ध्रुवादित्य भगवानानी। ध्रुवादित्य भी पेशे से एक्टर है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर भी हैं। 4 फरवरी को चित्राशी और ध्रुवादित्य बिलासपुर में शादी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इंस्टा स्टोरीज में कुछ वीडियो शेयर कर ध्रुवादित्य ने अपनी शादी की तैयारियों की झलक फैंस को दिखाई है। जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी को चित्राशी और ध्रुवादित्य अपने करीबी रिश्तेदारों और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में फेरे लेंगे, तो वहीं 3 फरवरी को इनके प्री वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट किए जाएंगे। 3 फरवरी को चित्राशी और ध्रुवादित्य की हल्दी मेहंदी सगाई और संगीत का जश्न मनाया जाएगा। अपने सेंटिमेट वेडिंग को लेकर चित्राशी ने एक इंटरव्यू में भी बात की है। चित्राशी के मुताबिक पहले उन्होंने अपने होम टाउन देहरादून में कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में घर वालों के दबाव में इन्होंने कोर्ट मैरिज करने की बजाय बैंड बाजा बारात वाली शादी करने का फैसला लिया। चित्राशी ने बताया कि हम पहले देहरादून में कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। हमने सोचा था कि सिंपल शादी करेंगे, पैसे बचाएंगे और ट्रेवल करेंगे। हालांकि बाद में हमारे परिवारों ने कहा कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, तो अब हम उनकी पसंद के अनुसार शादी कर रहे हैं। हालांकि ध्रुव और मैं इसे शादी के कार्यक्रम के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने परिवारों और करीबी दोस्तों के साथ अपने रिश्ते के उत्सव के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि चित्राशी और ध्रुवादित्य बीते 11 साल से डेटिंग कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात फिल्म प्रेम मई के सेट पर हुई थी, हालांकि इन्होंने अपनी लव स्टोरी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा था। चित्राशी रावत के फिल्मी करियर की बात करें तो चक दे इंडिया के बाद चित्राशी ने लक ये दूरियां, प्रेम मई, हो गया दिमाग का दही उर्फ घंटा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कोई बड़ी हिट नहीं मिली। आज भी चित्राशी को चक दे इंडिया की कोमल चौटाला के नाम से ही पहचाना जाता है। चित्राशी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।